Hey guys, welcome to the channel again. आज Amazon से मैंने एक अच्छी चीज़ मंगाई है जो कि आपके टीवी को कंट्रोल करेगी. सो आपको अभी पता तो चल ही गया होगा, बट लेट्स सी एंड ओपन दिस वन क्विकली. तो आज मैंने अमेज़न से मेरे लिए एप्पल का टीवी मंगाया है जो कि है 4K. सो ये इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जो इसका नंबर, सीरियल नंबर और एप्पल टीवी 4K 64 GB, 4K HDR. और ये बॉक्स कुछ इस तरह दिखता है. आप इस पे इसकी MRP देख सकते हो, 20,900. इसके बाद में 4K का लॉ ब्रांडिंग यहाँ पे 4K की, और बैक साइड में द अल्टीमेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस 4K विद डॉल्बी एटमॉस साउंड क्वालिटी. और डिटेल दी गई है यहाँ पे इसकी, एयरपॉड्स क्या है, एयरप्ले, ऐप स्टोर, आपको ये सारे ऐप एक्सेस कर सकते हो, एयरपॉड्स कनेक्ट कर सकते हो, एयरप्ले से शेयर कर सकते हो. और ये रियली एम्बॉस्ड है, तो मैं इसे आपको दिखा देता हूं अनबॉक्स करके क्विकली. सो ये बॉक्स, जैसे मैंने आपको बोला, ये एम्बॉस्ड है. सो आपको यहां पे लिटरली फील होगा जैसे कि ओरिजिनल रिमोट लग रहा है और ये एप्पल टीवी दिख रहा है. सी, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये फील हो रहा है. जल्दी इसके बटन्स वगैरह सारे फील्स हो रहे हैं हाथों को. एनीवेज, बॉक्स की तारीफ ज़्यादा नहीं करके इसे अनबॉक्स करते हैं फर्स्ट. सो ये है अपना मेन डिवाइस. ये पैकिंग वगैरह नहीं आया है, आई डोंट नो. रखते हैं इसे साइड में. इसके बाद में यह है इसका रिमोट कंट्रोल. और बॉक्स के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सो यह है डॉक्यूमेंटेशन और एप्पल के स्टिकर्स एज यूजुअल 4K टीवी के साथ. ये स्टिकर्स जो कुछ काम के है कि नहीं काम के एक्चुअली. इसके बाद में ये यूजर मैनुअल जो कि यू मस्ट रीड बिफोर सेटिंग इट अप. और ये इसका दिया गया स्ट्रक्चर, ये पावर, ये HDMI, ये इथरनेट पोर्ट, और ये कैसे कनेक्ट करना है, टीवी ऑन करने के बाद क्या स्क्रीन आएगी, रिमोट का यूज क्या है, इसके बटन्स कैसे किस तरह से यूज करने हैं, क्लिक पैड, बैक बटन, प्ले पॉज, म्यूट बटन, वॉल्यूम अप डाउन, टीवी कनेक्ट, सीरी के लिए, और ये पावर ऑन ऑफ. और ये एप्पल का लोगो. और अब अबाउट एप्पल टीवी, फाइंड मोर ऑन दी वेब. इसके बाद में ये यूजर रिस्ट्रिक्शंस, डिस्पोजल रिसाइकल करने के लिए डिटेल्स, एनर्जी स्टार की रेटिंग, ज़्यादा कुछ है नहीं डॉक्यूमेंट के साथ. और इसके साथ ये लाइटनिंग केबल जो कि डिवाइस को अप करने के लिए काम पे आएगी, विथ लाइटनिंग सी एंड USB पोर्ट एट द अदर एंड. केबल क्वालिटी यू नो वेरी वेल. ओके, सो बॉक्स में ये अभी कुछ नहीं. अब इसके साथ दूसरे जो छोटे बॉक्स में कुछ चीज़ें आई है उसे हम अनबॉक्स करके देखते हैं. ओके, सो ये है इस बॉक्स के अंदर हमें मिलती है इसकी पावर केबल. क्वालिटी अनमैच्ड, सुपीरियर क्वालिटी की केबल है ये दोस्तों. ये अदर एंड एप्पल के पावर सोर्स में कनेक्ट होगा डिवाइस में. इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई हुई केबल है. केबल रखते हैं साइड में, एप्पल लाइटनिंग केबल साइड में, डॉक्यूमेंटेशन साइड में रखते हैं. और ये है अभी अपने पास एप्पल टीवी जो कि कुछ इस तरह दिखता है. हाई ग्लॉस प्रिंटिंग, हाई ग्लॉस, और ये मैट फिनिशिंग, फिंगरप्रिंट तो इस पे आएंगे नहीं,
बट ये है, इस पर फिंगरप्रिंट डेफिनेटली आपके आएंगे। एनीवेज, वैसे भी टीवी के पीछे जाने वाला है, सो नॉट वेस्टिंग सच टाइम इन इट। और ये है, यहाँ पे स्टिकर दिया गया है, उसके बाद में एनर्जी स्टार की रेटिंग का स्टिकर, इसे निकालना है हमें। सो ये स्टिकर निकाल देंगे, ओके, इसे रखते हैं साइड में। ये ग्लॉस फिनिश्ड अगेन, जो कि आपके सारे फिंगरप्रिंट्स कैप्चर कर लेगा। यह है पावर सोर्स कनेक्ट करने के लिए, ये HDMI कनेक्ट करने के लिए, और ये इथरनेट से आपको इसको मैनेज करने के लिए, इन केस यू नीड वायर्ड कनेक्शन, यू कैन यूज दैट फॉर सेविंग फॉर पैकेट लॉस और कंट्रोल द डिवाइस। ये स्टिकर भी निकालते हैं, इस पे सीरियल नंबर वगैरह सारी डिटेल दी गई होंगी। ये है एप्पल का लोगो, अदर साइड भी एप्पल का लोगो, वाओ, सुपीरियर फिनिशिंग। ये इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, ओके। इट लुक्स लाइक ए ग्रेनाइट, अच्छी खासी क्वालिटी और अच्छा खासा हेवी डिवाइस है दोस्तों। और क्वालिटी के बारे में आपको क्या ही बताना। सी, ये अभी डस्ट भी कैप्चर करने लगा है क्विकली, सो इसे हमेशा क्लीन करना पड़ेगा आपको। एनीवेज, इसे लगते हैं साइड में, अब अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ आया हुआ रिमोट कंट्रोल, सो ओके, सो ये है रिमोट कंट्रोल। ये भी अच्छा खासा है, वे एल्यूमिनियम बॉडी है, एप्पल की ब्रांडिंग, इसके बाद में डिटेल। और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे लाइटनिंग केबल दी गई थी अपने को। ये पावर बटन ऑन ऑफ के लिए LED इंडिकेशन, ये अप डाउन लेफ्ट राइट, और ये गेस्चर कंट्रोल, गेम वगैरह खेलने के लिए सुपीरियर पावरफुल। ये बैक बटन, ये TV बटन, ये प्ले पॉज, ये देखिए अभी लाइट चलनी चालू हो गई थी, इंडिकेशन था। एनीवेज, तो इसको ऑन करना बाकी है। ये म्यूट अनम्यूट, ये वॉल्यूम रॉकर बटन्स, और यहाँ पे सीरी का बटन दिया गया है साइड में, इफ यू कैन हियर द क्लिक। और ये ब्लूटूथ इनेबल रिमोट कंट्रोल है, जो अपने आप डिवाइस के साथ पेयर होगा। तो गाइज, ये थी अनबॉक्सिंग ये अपने एप्पल टीवी की। हम इसे कनेक्ट करते वक्त भी आपको दिखा देंगे कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। इजी प्रोसेस है, एप्पल के वेबसाइट पे अवेलेबल है। जस्ट आपको मैं एक क्विक ओवरलुक दे सकता हूँ इसका। सो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिवाइस इतने फास्ट आया है तो कनेक्शन भी इसका फास्ट ही करते हैं, क्योंकि अमेजोन ने इसे विद इन 6 to 8 hours डिलीवरी में डिलीवर किया है, जो कि आज ही ऑर्डर किया और आज ही घर पर आ गया है। सो पहले इसे पावर प्लग करते हैं। So, ये जो फर्स्ट एंड है इसकी, ये कनेक्ट होगी यहाँ पे, ओके। ये केबल इंसर्ट होगी यहाँ पे पावर में। कोई LED इंडिकेशन आप दिख पा रहे हो यहाँ पे अभी? सो LED ब्लिंक होना चालू हो गया है। हम HDMI केबल भी कनेक्ट करेंगे इसकी यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसकी टीवी से आई हुई HDMI केबल मैं यहाँ प्लग कर देता हूँ, ओके। सो अभी हमें स्टार्ट करते हैं टीवी को रिमोट से। ओके, ये हमारा टीवी अभी स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, थोड़ी लाइट्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो ये टीवी स्टार्ट हो गया अभी हमारा। मोबाइल्स टीवी के रिमोट से हमें स्विच करना है इनपुट्स को। सो हम यूज करेंगे इनपुट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, आपको दिख पा रहा है रिसोर्स 1 में एप्पल टीवी। सो स्टार्ट करते हैं इसे फर्स्ट। जो ये रिजोल्यूशन है वो दिखा रहा है, वो 4K का रिजोल्यूशन दिख रहा है, ओके। सो अभी हमें रिमोट लेना है हाथ में एप्पल का, जो
के अभी मेरे पास है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये चार्ज करना पड़ेगा शायद, देखते हैं। सो इसे फर्स्ट चार्ज करना पड़ेगा। उसने इसे चार्जिंग पे लगा दिया है और इसे ऑन करते हैं। ओके, सो आप देख पा रहे हैं अभी ये रिमोट और टीवी स्क्रीन पे भी आपको बता रहा है ऑप्शंस। सो इसे मैं जस्ट हॉवर कर सकता हूँ या अप डाउन का बटन भी प्रेस कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हो हॉवर करने के बाद भी ये रिमोट एक्सेस हो रहा है। सो इंग्लिश ओके, इंडिया, सो ऑल द वे डाउन हम इंडिया के पास जाएंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। GHI somewhere around, ये आ गया इंडिया। ओके, ये मेरा इंडिया सेलेक्ट मैंने किया है अभी। डेटा एंड प्राइवेसी कंटिन्यू, स्विच टू मैच, कीप करंट फॉर्मेट। स्विच टू मैच करेंगे, सो टीवी स्विच करेगा और सेटिंग्स मैच करेगा। ओके, सेटअप विथ आईफोन, सेटअप विथ आईफोन कर लेंगे। ओके, सो अनलॉक योर आईफोन, आईपैड, आईपॉड टच, कनेक्ट टू द वाईफाई नेटवर्क, टर्न ऑन ब्लूटूथ, होल्ड द डिवाइस क्लोज टू दिस एप्पल टीवी। सो वही करते हैं अभी। सो अभी एप्पल टीवी फ़ोन को अनलॉक करते हैं। सी, आपको यहाँ पे दिख रहा है सेटअप योर एप्पल टीवी। सो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, सेटअप योर एप्पल टीवी कनेक्टिंग। थोड़ा दूर से आपको दिखा रहता हूँ तो आपको दिख जाए एग्जैक्टली कनेक्टिंग। ये अभी कनेक्ट करने जा रहा है टीवी को। 8811 ये जो कोड है मुझे यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सो आप देख पाओगे अभी सेटिंग अप योर एप्पल टीवी, सेटिंग अप वाईफाई। ये सारी मेरी वाईफाई की डिटेल वहाँ पे एज इट इज ऐड कर देगा, एक्टिवेट करेगा एप्पल टीवी को। सो ये आप क्वालिटी देख पा रहे हो दोस्तों, एक्चुअली सुपीरियर। आपको इसमें पता चलेगी कि नहीं पता नहीं। चेक ऑन इंटरनेट कनेक्शन, सो फेल का एरर आया है, ट्राई करते हैं अभी वापस। वापस ट्राई करेंगे सेटअप विद आईफोन। ओके, वाईफाई से कनेक्टेड है, सेटअप वापस एक बार। 09 सो ये एक्टिवेटिंग प्रोसेस है। ये कुछ ज्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं, लेकिन इसके बाद में टीवी आपको अपने आप चालू होके सारी आपकी सेटिंग्स एज इट इज टीवी में भी कैप्चर कर लेगा। सो आपको कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, मे बी मेरे वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो, बट आई विल ट्राई दैट टू फिगर इट आउट। दो तीन बार करने के बाद ये फिक्स हो जाएगा अपने आप। ये एक्टिवेशन प्रोसेस, सेटिंग अप सिक्योरिटी, सी ऑलमोस्ट अभी आगे जा चुका है। सेटिंग अप होम किट, सारी चीज़ें वो एज इट इज कॉपी कर रहा है टीवी के साथ, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बूट होना चालू हो गया है। ये थोड़ा डस्ट कैप्चर वाली चीज़ है। सो एनीवेज ये सारी चीज़ें सेट कर रहा है, थोड़ा टाइम इसमें जाएगा, बट ये दिस विल फिक्स ऑल द कनेक्शंस एंड ऑल योर सेटिंग्स टू द टीवी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यूज रिमोट कंट्रोल ऑन योर आईफोन, टैप डन टू ओपन रिमोट कंट्रोल, कंटिन्यू सेटिंग अप योर एप्पल टीवी। सो यहाँ पे रिमोट कंट्रोल से मुझे ऑलवेज रिक्वायर करना है। रिमोट कंट्रोल के साथ में इसे अभी को जो सेटिंग रखनी है, सो रिक्वायर आफ्टर 15 मिनट्स, रिक्वायर आफ्टर 15 मिनट्स शुड बी ओके। कंटिन्यू, सो ये सेटअप है। कस्टमाइज सेटिंग्स, लर्न मोर या कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सीरी एंड डिटेक्शन, यूज सीरी।
Share audio recordings, not now. Have a TV provider, not now. जो भी है बाद में कर लेंगे. Where is Apple TV? Living room, bedroom, so living room कर देते हैं. Use HomePod as Apple TV speakers, not now. Select the world, automatic download. Select analytic, don't send to Apple, it's not required. Just फालतू में इंटरनेट bandwidth और डेटा यूज करेगा और स्टोर करेगा. एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस तो करना ही पड़ेगा गाइस. सो ये देखिए, एप्पल टीवी इज रेडी विथ माय एमआई टीवी.